हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। इस समय चल रहे हैं इंस्टाग्राम के बड़े पंगे। तो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा, चैनल पे चल रहा है एक लाइव गिव अवे। तो अगर आप हो चैनल पे नए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ग्लीम लिंक में जाके आप कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम से पे फॉलो और ट्विटर पे फॉलो। ये तीन चीज कर लोगे आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लोगे। गिव अवे का रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। तो यार, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं बहुत सारे लोचे, और इस टाइम पे इंस्टाग्राम पे कल क्या हुआ, काफी सारे अकाउंट्स हो गए लोगों के सस्पेंड, कई लोगों के फॉलोअर भी गिर गए, मेरे भी कुछ थोड़े बहुत फॉलोअर गिर गए। यार मेरा अकाउंट तो छोटा सा है, मुझे ज्यादा इतना था नहीं, बट मेरे भी 60-70 लोगों की फॉलोअरशिप गिर गई नीचे। और मुझे भी लगा यार अजीब सी चीज की एकदम से इतने सारे फॉलोअर कैसे गिर गए, मतलब मेरे लिए 60-70 इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, तो वो एकदम से गिर गए जबकि मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं। और मेरे रेगुलरली आ रहा था कि भाई फॉलोअर बढ़ रहे हैं, एक बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है, तीन बढ़ रहा है, जब भी देख रहा हूं। और उसके बाद पर अल्टीमेटली गम हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर था। तो ये कुछ चीज अभी चल रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, काफी सारे लोगों के 1000-2000 फॉलोअर गिर गए। और इनफैक्ट जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उसके 3 मिलियन फॉलोअर गिर गए, वो बात अलग है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट 3 मिलियन फॉलोअर गिरने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ लोग फॉलो अनफॉलो कर रहे हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इंस्टाग्राम का तगड़ा गलत चल रहा है क्योंकि काफ़ी लोगों के अकाउंट सस्पेंड भी हुए हैं, काफ़ी लोगों के फॉलोअर्स भी गिरे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा गेम और बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जो इंस्टाग्राम पे इस समय चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन भी करी, ट्विटर पे भी इंस्टाग्राम को लिखा है, तो इंस्टाग्राम ने भी लिखा है कि वी आर वर्किंग ऑन इट। तो वी आर वर्किंग ऑन इट का मतलब ये कहा जा सकता है कि भाई इस समय दिक्कत तो है जिस पे वो काम कर रहे हैं, और मोस्टली कई लोगों को तो कुछ ही घंटे में अपना अकाउंट वापस भी मिल गया है। तो यार ये जो बेसिकली टाइम होता है ना, नवंबर का टाइम होता है, उस समय ना बॉट्स और जो भी आपके सारे के सारे जो भी अकाउंट्स होते हैं, जो मतलब एक तरह से नॉट ओरिजिनल अकाउंट होते हैं, उन सबको फिल्टर आउट करता है इस समय इंस्टाग्राम। ये हर साल ऐसे नवंबर के टाइम पे ही करता है, तो इस टाइम पे हमेशा ही कुछ ना कुछ लोचे होने के चांस हो जाते हैं, और इसलिए फॉलोअर्स भी डाउन होते हैं, जो कि अच्छी बात है कि चलो बॉट्स वाले फॉलोअर को हटाना भी चाहिए, उससे चैनल की रीच भी डाउन होती है, कई सारी चीज़ें रहती है, तो वो चीज़ ठीक है। बट जो लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, जो कि ओरिजिनल क्रिएटर अकाउंट्स थे, जो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे थे, वो उनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि यार वो ना एक बार बंद हो जाता है तो वो किसी की सुनवाई नहीं है, मतलब कई लोगों को 31 अक्टूबर में बैन हो गया, मतलब कल ही बैन हो गई चीज़ें, तो उन लोगों की सुनवाई आसानी से नहीं होती। फॉर्म भरो, फॉर्म भरते रहो 2-3 दिन 4 दिन, उसके बाद आपको रिप्लाई आएगा, फिर इंस्टाग्राम कुछ करेगा। तो एक सपोर्ट में भी बहुत लैक है, उसके अलावा पंगा भी बहुत बड़ा है। तो यार ये चल रहा है इस टाइम पे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो अगर आपके अकाउंट पे भी ऐसी कोई दिक्कतें आई हैं फॉलोअर गिरने की, तो उस चीज़ का स्ट्रेस मत लेना, ताकि क्योंकि आपको फॉलोअर धीरे धीरे आपके नेचुरली वापस आ जाएंगे, उसके अंदर जो भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं इंस्टाग्राम की तरफ से। फॉलोअर वाला इशू तो धीरे धीरे रिजॉल्व होना स्टार्ट हो चुका है, बट अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो मैं आपको फॉल्स इस चीज़ को नहीं कह रहा कि यार आप स्ट्रेस मत लो, देखो स्ट्रेस तो होता ही है, बट यार इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो कल अकाउंट सस्पेंड हुए ना स्पेशली, उन सब के अकाउंट्स को रीइंस्टेट कर रहा है इंस्टाग्राम स्लोली, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। कोशिश करना कि अपनी तरफ से जो चीज़ें मेजर्स यूज़ कर सकते हो, फॉर्म फिल आउट करने का कि आपका अकाउंट लेजिट है, आपको सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन मिले तो आप कर दीजिएगा, जो जो चीज़ें हैं आप स्टेप्स फॉलो करना, ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो और आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाए एज सून एज पॉसिबल। तो यही था यार आज की वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, स्पेशल किसी के साथ कोई दिक्कत हो रही हो तो उसको मैं डिस्कस कर सकता हूं अपने इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर भी, अगर आपका इंस्टाग्राम में कोई इशू चल रहा है। और इस समय ना इंस्टा पे और फेसबुक बहुत क्रैश भी कर रही है, स्पेशली आईफोन्स में, मतलब बहुत ज़्यादा क्रैश, लिटरली मतलब मैं देख रहा हूँ मेरे फ़ोन के अंदर, मैं इंस्टाग्राम 2 मिनट भी नहीं चला पाता और एकदम से क्रैश हो जाता है। स्पेशली 13 प्रो में मेरी ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस चीज़ के लिए। 13 मिनी में यूज़ करता हूँ अपना फ़ोन, बट उसके अंदर उतनी इशू नहीं आ रहा, बट पता नहीं क्या दिक्कत है। ये कुछ ना कुछ तो 16.1 से भी रिलेटेड हो सकता है, कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम से भी रिलेटेड हो चुका है, तो ये चीज़ थोड़ी सी अनक्लियर है। फ़ोन स्पेसिफिक भी नहीं है एग्जैक्टली, काफ़ी लोगों को 13 मिनी में भी दिक्कत आ रही है, 13 में भी दिक्कत आ रही है जो मैंने देखा है। तो यार यही था आज की वीडियो में, कुछ और क्वेश्चन तो आप पूछोगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।